परिवहन आयुक्त ने रोडवेज की बसों का फिटनेस अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आरटीओ रामरतन सोनी ने आज अपने कार्यालय में मीडिया को जानकारी दी। आरटीओ आरआर सोनी ने बताया कि परिवहन विभाग के कई कार्यालय ऐसे स्थान पर हैं जहां पर भारी वाहन फिटनेस के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। निर्देश आए हैं, उसके लिए क्या कहना आपका? जी हाँ, ये परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा इस आशय के निर्देश दिए गए हैं कि एक पर्टिकुलर दिन डिसाइड किया गया है। फिलहाल अभी 4 अगस्त का दिन डिसाइड किया गया है, रविवार को, कि रोडवेज की वर्कशॉप में जा कर के उन रोडवेज की बसों की फिटनेस चेक करनी है। और एक उन्होंने चेकलिस्ट भी भेजी है साथ में, जिसमें तरह तरह के मानक बताए गए हैं कि रोडवेज बसों में क्या क्या होना चाहिए। वो देख करके हमारे आरआई जो है उसको निरीक्षण करेंगे और उसी के अनुसार उनको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि जिस तरह से मार्ग दुर्घटनाएँ हो रही हैं तो उनको रोकने के लिए सब कदम उठाए जा रहे हैं। ये अभियान कब तक चलेगा? फिलहाल अभी एक डेट दी गई है, फिर जो कुछ गाड़ियां बच जाएंगी तो अगली डेट जो भी डिसाइड होगी उस पर करेंगे। जब तक कि सारी गाड़ियां उनके डिपो की चेक नहीं हो जाएंगी तब तक ये जारी रहेगा। सर, ये आदेश किसका जारी है? ये परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा जारी किया गया। सर, क्या ये आदेश परमंडल का कब तक चलेगा ये आदेश? ये आदेश तो हमेशा के लिए होता है। फिलहाल उन्होंने एक डेट निर्धारित की है, अभी जो बच जाएंगी बसें तो और दूसरी डेट भी निर्धारित करेंगे। सर, कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में? अभी मंडल के सभी जिलों में किया जाना है, बल्कि प्रदेश के सभी जिलों में होगा। मेरे मंडल में जो 5 जिले आते हैं, बिजनौर है, रामपुर है, अमरोहा है, संभल है, मुरादाबाद है, इन सभी भी जहाँ जहाँ भी वर्कशॉप है रोडवेज की वहाँ पर इनको चेक किया जाए।